हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने तकरीबन कुछ भी नहीं बनाया कार में, और कहीं काम से बाहर गई हुई थी उसकी वजह से मैं लेट हो गई, तो इस वजह से मैंने आज कुछ बनाया नहीं। लेकिन साथ में पहले वाले थोड़ी सी बिरयानी पड़ी थी, आलू मंगरी का थोड़ा सा सालन है, साथ है रोटी, और इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय। तो अब ये है जो है ना, हमारी तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी, तो 3 से 4 दिन हुए हमारी कार की जो है ना गैस नहीं आ रही थी, तो अब आ जाना शुरू हुई है। तो जितनी देर में मैंने चाय बनी है उतनी देर में मैं खाना खा लूँगी। और रात जो है वो तकरीबन काफ़ी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, और मैं खाने लगी हूँ खाना। तो तकरीबन ये रात के बज चुके हैं 9 से 10 का टाइम हो चुका है, और अब हम खाना खाएंगे। खाना खा के तो फिर इंशाल्लाह साथ बनाएंगे पिएंगे चाय। चाय में ऊपर रखी हुई हूँ, उतनी देर में मैं खाना खा लेती हूँ, साथ ले आएंगे पानी। चलें, ये है हमारा खाना और अब हम खाना खाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह पियेंगे चाय। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता अपने लिए, क्योंकि रात को हमने शाम को बहुत जल्द खाना खा लिया था, तो उसकी वजह से ना मुझे अब शदीद भूख लग रही है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, जिसके लिए मैं लेके आई हूँ ब्रेड और साथ अंडा लिया। आज हम अंडे में डालेंगे चीनी और इसको बनाएंगे, ब्रेड को बनाएंगे मीठी मीठी, तो जिसके लिए मैंने चाय ऊपर रख दी है। और चाय पहले बना लेते हैं, उतनी देर में मैं चीनी में अंडा फेंट लेती हूँ अच्छे तरीके से, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना लाइट जो है हमारी, माशाल्लाह मकान मालकों का कहा था कि हमारी जो है ना वो लाइट बाहर की नहीं ऑन रही, ना तो बाहर सेन की ऑन हो रही है और ना ही इस बरामदे की ऑन हो रही है। तो गरीब बंदा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। गाइस, मैंने अपना नाश्ता जो है वो कर लिया तैयार, नाश्ता मेरा हो चुका है तैयार, और ये अंडे के साथ मैंने डाला थे थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध, इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया। फेंट के तो अब जो है ना मेरा नाश्ता जो तैयार हो चुका है, तो भाई मैं तो कर लेती हूँ सुबह बकाया, जब उठते हैं तो वो खुद ही कर लेते हैं नाश्ता भी। अगर मेरे व्यूअर्स को कोई भी मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो माशाल्लाह साथ रहें। और प्लीज़ जो उर्दू में कमेंट हो सके तो उर्दू में करें, हो सके तो उर्दू में करें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स का जो है ना और बहन भाइयों का रद्द अमल जो है वो समझ सकूँ, पढ़ सकूँ, और मुझे पता चल सके कि मेरे बहन भाई ने क्या लिख के भेजा है। तो इंशाल्लाह जो है ना अब कोशिश मेरी यही है कि मैं पढ़ जाऊं, और साथ मेरी चाय भी हो चुकी है तैयार।